आज हम आपको भारत के 10 राष्ट्रीय पहचान तत्वों के बारे में दिखाएंगे। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज भारत का एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे भारत हरा समान अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक नौसेना नीला पहिया है जिसमें 24 समान दूरी वाली तीलियां हैं जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पीकॉक, नेशनल बर्ड, भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है जिसके पंख के आकार का पंख, आंख के नीचे एक सफेद पैच और एक लंबी पतली गर्दन होती है। प्रजाति का नर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है जिसमें चमकदार नीले स्तन और गर्दन और लगभग 200 लंबी पंखों की शानदार कांस्य हरी पूंछ होती है। मादा भूरे रंग की होती है, नर से थोड़ी छोटी होती है और इसमें पूंछ नहीं होती है। नर का विस्तृत प्रेमलाप नृत्य, पूंछ को बाहर निकालना और उसके पंखों को फैलाना एक भव्य दृश्य है। लोटस, नेशनल फ्लावर, कमल नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है और प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। भारत वनस्पतियों से समृद्ध है। वर्तमान में उपलब्ध डेटा भारत को दुनिया में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर पौधों की विविधता में रखता है। अब तक सर्वेक्षण किए गए लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI द्वारा पौधों की 47,000 प्रजातियों का वर्णन किया गया है। इंडियन फिग ट्री, नेशनल ट्री, भारतीय अंजीर का पेड़ फिकस बेंगालेंसिस, जिसकी शाखाएं एक बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों की तरह जड़ लेती हैं। जड़ें फिर अधिक चड्डी और शाखाओं को जन्म देती हैं। इस विशेषता और इसकी लंबी उम्र के कारण इस पेड़ को अमर माना जाता है और यह भारत के मिथकों और किंवदंतियों का एक अभिन्न अंग है। बरगद का पेड़ आज भी ग्राम जीवन का केंद्र बिंदु है और इसी पेड़ की छाया में ग्राम परिषद की बैठक होती है। नेशनल एंथम, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। नेशनल एम्बलम, राज्य प्रतीक सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी का एक रूपांतर है। मूल रूप में 4 शेर हैं जो एक गोलाकार अबेकस पर एक के बाद एक पीठ पर चढ़े हुए हैं, जो स्वयं एक बेल के आकार के कमल पर टिका हुआ है। अबेकस के फ्रेंच में एक हाथी, एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक शेर की उच्च राहत में मूर्तियां हैं, जो धर्म चक्रों के बीच से अलग हो गई हैं। केंद्र में धर्म चक्र, दाई ओर एक बैल और बाई ओर एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा और सबसे दाईं और बाईं ओर धर्म चक्रों की रूपरेखा के साथ हबेकस पर सवार 3 शेरों को दर्शाने वाली लॉयन कैपिटल की रूपरेखा को राज्य के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रतीक बेल के आकार के कमल को हटा दिया गया था। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य अकेले विजय, सिंह राजधानी के प्रोफाइल के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो भारत के राज्य प्रतीक का हिस्सा है। नेशनल कैलेंडर, शकयुग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर, चैत्र के पहले महीने के रूप में और 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष 22 मार्च 1957 से ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ निम्नलिखित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। भारत का राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार,
भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, जनता को संबोधित सरकारी संचार, राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों का ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ एक स्थायी पत्राचार है। एक चैत्र 22 मार्च को सामान्य रूप से और 21 मार्च को लीप वर्ष में पड़ता है। टाइगर नेशनल एनिमल, शानदार बाघ पैंथेरा टाइग्रिस एक धारीदार जानवर है। इसमें गहरे रंग की धारियों के साथ फर का एक गाढ़ा पीला कोट होता है। अनुग्रह शक्ति, चपलता और विशाल शक्ति के संयोजन ने बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपना गौरव प्राप्त किया है। ज्ञात प्रजातियों की 8 प्रजातियों में से भारतीय जाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में और पड़ोसी देशों नेपाल भूटान और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। भारत में बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत अब तक देश में 27 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जो 37,761 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इंडियन करेंसी सिंबल, भारतीय रुपये का प्रतीक धन के लेन देन और आर्थिक मजबूती के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। भारतीय रुपया चिन्ह भारतीय लोकाचार का एक रूपक है। प्रतीक देवनागरी रा और रोमन राजधानी आर का एक मिश्रण है, जिसमें दो समानांतर क्षैतिज धारियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही बराबर चिन्ह भी हैं। भारतीय रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर उदय कुमार द्वारा अवधारणा और डिजाइन किया गया प्रतीक वित्त मंत्रालय द्वारा निवासी भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त हजारों अवधारणा प्रविष्टियों में से चुना गया है। इस नई पहचान को स्थापित करने और लागू करने की प्रक्रिया विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के माध्यम से चल रही है।